मुख्तार अंसारी के खिलाफ शिकंजा कसता जा रहा है। UPSTF ने मुख्तार अंसारी के एम्बुलेंस के ड्राइवर को लखनऊ से गिरफ्तार किया। गिरफ्तार किए गए शख्स का नाम सलीम है। जी हाँ, UPSTF ने उसे लखनऊ के जानकीपुरम इलाके से गिरफ्तार किया। उस पर 25,000 रुपये का इनाम था। सलीम 2 लाख के इनामी अताउर रहमान बाबू का भी कई सालों तक ड्राइवर रह चुका है। सलीम पर मऊ में फर्जी शस्त्र लाइसेंस लेने का मुकदमा दर्ज है। वह जेल में भी जा चुका है, फिलहाल वह जमानत पर बाहर था। सलीम को गिरफ्तार कर बाराबंकी पुलिस जेल भेज दिया गया। बता दें कि बीते 24 जून को जिलाधिकारी के आदेश पर क्षेत्राधिकारी सदन और राजस्व विभाग की टीम थाना कोतवाली गाजीपुर थाना क्षेत्र में सैयदबाड़ा मोहल्ला पहुंची थी। यहां विधायक मुख्तार अंसारी के ससुराल में उनकी पत्नी अफशान अंसारी और उनके सालू सरजील रजा और अनवर रजा पुत्रगण जमशेद रजा के नाम से ऑडी कार जब्त कर ली थी। पुलिस ने कार की कीमत 31 लाख रुपए से ज़्यादा बताई थी, जिससे पहले माफिया मुख्तार अंसारी के फरार नामजद गुर्गों पर बाराबंकी पुलिस ने 6 जून को इनाम घोषित किया था। SP यमुना प्रसाद ने फर्जी कागजों में पते पर रजिस्ट्रेशन कराई गई एम्बुलेंस मामले में दर्ज मुकदमे के फरार 3 नामजद आरोपी आनंद यादव और मोहम्मद शाहिद पर 25,000 जबकि मुजाहिद खान पर 20,000 का इनाम घोषित किया था। बता दें कि उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में बाहुबली मुख्तार अंसारी के एम्बुलेंस केस में बादा जेल में 28 जून को पेशी हुई। मुख्तार अंसारी को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए CGS कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने 5 जुलाई तक रिमांड का आदेश बढ़ा दिया है।